हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में टोटल 10 ट्रांजेक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। चलिए अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहले ट्रांजेक्शन बता रखा है, ब्रॉट गुड फ्रॉम अरुण 4 रुपीज 2 लाख एट रेट डिस्काउंट ऑफ 15% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 80% अमाउंट इमीडिएटली। तो देखिए टोटल जो गुड कॉस्ट थी वो 2 लाख रुपीज थी। इसमें बिजनेस 2 लाख रुपीज से गुड्स परचेज करें, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2% का कैश डिस्काउंट है, 80% अमाउंट तभी के तभी पे भी कर दिया है। तो देखिए 2 लाख के गुड्स हैं, टोटल गुड्स 2 लाख रुपीज के, ट्रेड डिस्काउंट 15% कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का, तो ये आपके पास आएगा 30,000। एक्चुअल में जो गुड्स की वैल्यू है 1,70,000 है। जब आप 30,000 को माइनस कर देंगे 2 लाख में से, तो 1,70,000 के गुड्स हैं। अब इसका 80% हमने पे कर दिया, तो मतलब ये 1,36,000 हमने पे कर दिया। जब आप 1,70,000 का 80% कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,36,000 आएगा। इस पे 2% हमें कैश डिस्काउंट मिला है, मतलब कि 2,720 का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। कौन से अमाउंट पे? 1,36,000 के अमाउंट पे 2% का कैश डिस्काउंट मिला है, जो कि 2,720 हुआ है। हमने कितना अमाउंट नेट पे किया? हमने 1,33,280 रुपीज पे करे है। अब कितना पे और करना है? 20% और पे करना है। किसका? 1,70,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 34,000 रुपीज हमें इसको और पे करना है। किसको पे करना है? अरुण को। तो देखिये एंट्री क्या होगी यहाँ पे। सबसे पहले परचेज करा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, क्योंकि अभी इसको परचेज अभी इसको पेमेंट करनी है, सारी पेमेंट नहीं की गई। इसके बाद यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और देन टू कैश अकाउंट। तो कितना कितने की परचेज है? टोटल 1,70,000 की टोटल परचेज है आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। अभी अरुण को देना कितना है? 34,000 रुपीज अभी अरुण को देने हैं। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? 2,720 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ और टोटल पेमेंट करी कितने की है? 1,33,280 रुपीज की पेमेंट कर दी है। और यहाँ पे आप लिखेंगे गुड परचेज एंड 80% पेमेंट पे, इसकी नरेशन लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम एक्स एंड सप्लाई टू वाई 4 रुपीज 26,000। देखिए परचेज करे गए हैं गुड्स एक्स से 20,000 रुपीज के और उसके बाद उसको सप्लाई कर दिया गया वाई को 26,000 रुपीज में। तो पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करें? एक्स से परचेज करें तो 2x। अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड आएगा, 20,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखिएगा गुड परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद आपको इसी की एक और एंट्री करनी है, क्योंकि इसमें आगे बता रखा है ना सप्लाई टू वाई, तो यहाँ पे अब वाई को सप्लाई कर दिया गया तो मतलब ये सेल हुए यहाँ पे, तो वाई को सप्लाई किया गया तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 26,000 डेबिट साइड आएगा, 26,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई। नेक्स्ट हमें बता रखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज एंड 25,000 फॉर ऑफिस यूज। देखिए कैश विड्रॉ किया गया बैंक से 5,000 रुपीज का पर्सनल यूज के लिए और 25,000 का ऑफिस यूज के लिए परचेज किया गया है। तो यहाँ पे ड्राइंग की बात हो रही है पहले, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए जो 5,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए गए हैं वो ड्राइंग अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ पे 5,000 रुपीज आपको लिखना होगा। और जो ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करे गए हैं 25,000 रुपीज, उसको आप कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। और टोटल बैंक में से कितना पैसा निकाला, बैंक से कितना पैसा टोटल निकाला गया, टोटल प्लस कर देंगे 30,000 रुपीज को आप बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप कि आपको इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कॉस्ट प्राइस 40,000। तो देखिए गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, इसका कॉस्ट प्राइस है कितना? 40,000। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड 40,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स में क्या हो गया? आग लगी है, क्रेडिट से लॉस हो गया, लॉस इंक्रीज हो गया तो हमने डेबिट कर दिया और परचेज हमारी कम हो गया। जब परचेज हमारी, क्योंकि गुड्स में आग लग गया तो परचेज कम हो गया, तो परचेज जब हमारी कम हो गया तो 40,000 को क्रेडिट का साइड भी मेंशन करना है आपको। तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब हमें गिवन है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, जो कि प्रोवाइड 20% डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 50,000। तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन लगाया गया मशीनरी पे, डेप्रिशिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिशिएशन एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। आप देखिए 20% डेप्रिशिएशन है तो 50,000 का 20% 10,000 होता है, तो 10,000 को आप मेंशन करेंगे डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, नरेशन लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर 3,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो इसकी एंट्री सिंपल से ही है, इसकी एंट्री होगी
प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि 3,000 रुपए जो थे वो नेक्स्ट ईयर का था जिसको अभी के अभी पे कर दिया गया, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो गया। और अगली बार के लिए जो इंश्योरेंस था वो हमारा कम हो गया तो टू इंश्योरेंस अकाउंट, तो यहाँ पे 3,000 डेबिट साइड आएगा, 3,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेंगे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। नेक्स्ट हमें गिवन है अलाउ 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 1,000 एज इंटरेस्ट ऑन रैंक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन रैंक बिजनेस के लिए इनकम है। अब इंटरेस्ट ऑन रैंक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, इसलिए आपको क्या करना है, इसको डेबिट करना है सबसे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 5,000 डेबिट साइड, 5,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन रैंक की एंट्री करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन रैंक इनकम होती है और यहाँ पे आपको लिखना होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज डेबिट साइड 1,000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन करने होंगे। नरेशन आपको लिखने होगी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नेक्स्ट हमें गिवन है सोहन हु ओस ओन ओस अस 25,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड अ चेक ऑफ 40 पैसे इन रुपीज इज रिसीव फॉर इज फुल सेटलमेंट। तो सोहन थे जिसने हमसे 25,000 रुपए लेने थे हमें, जिससे 25,000 रुपए पर उसने क्या करा, उसने 1 रुपए में से 40 पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे बैड डेट्स हो जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, चेक की बात हो रही है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब देखिएगा कि टोटल पैसा उसने दिया कितना है, टोटल उसने 10,000 रुपए दिए हैं, क्योंकि 1 रुपए में से जब उसने 40 पैसे दिए हैं तो आपको 20,000 का 40% कैलकुलेट करना होगा, तो 20,000 का 40% आपका कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो कितना उसने नहीं दिया, 15,000 रुपए उसने नहीं दिए, टोटल आपके अमाउंट में आ जाएगा टोटल 25,000। जब 25,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे, इतना अमाउंट पे कर दिया, 25,000 और 60% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 उसने पे नहीं करा, इसलिए बैड डेट्स हो गया। नरेशन आप लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम सोहन एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है पेड इनकम टैक्स 10,000 बाय चेक। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पे किया गया जो कि ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि चेक से पे किया गया है, 10,000 डेबिट साइड 10,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद है सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। तो सैलरी पे की गई है पहले, तो जब सैलरी पे की गई है तो यहाँ पे आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इसके एक और एंट्री भी होगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कर दिया। सैलरी टोटल जो सैलरी थी सैलरी अकाउंट में आएगा वो 1,00,000 रुपीज आएगा। कैश में जो आपका लिखा, आप कैश में आपको लिखना है टू कैश अकाउंट में 80,000 रुपीज, क्योंकि सैलरी पे की गई 80,000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग कितनी थी 20,000 रुपीज थी, तो आउटस्टैंडिंग में 20 लिखना है, टू कैश में 80 लिखना है, और टोटल डेबिट हो जाएगा सैलरी अकाउंट में 1,00,000 रुपीज। तो इस तरीके से टोटल जो आपके पास आएगा 4,40,000 डेबिट साइड और 4,40,000 क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।